उधर उत्तराखंड के दिनेशपुर में 6 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखी गई और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट और रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा कार्यक्रम में पहुंचे और क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा की बधाई दी। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने बंगाली हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र करते हुए बंगाली हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी बनकर आए थे और उन्होंने खेत खलिहान छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाली समाज के अनुसूचित जाति की मांग को संसद में उठाया गया है और एक ना एक दिन बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना ही चाहिए। देखिए, मैंने तो भारत की संसद में बंगाली भाइयों की मांग उठाई और हमने ये तक वहाँ कहा कि बंगाली हमारे भाई हैं और विषम परिस्थितियों में अपने पूरे खेत खलिहानों को छोड़ के अपने ही देश में शरणार्थी बने। कई लोगों के परिवार समाप्त हो गए और जो पूर्वी पाकिस्तान लिखा हुआ था उनके सर्टिफिकेट में, वो हटाने की मांग उठाई, वो हट भी गया है। और साथ में जो हमने आरक्षण देने की बात कही, तो वो आरक्षण की बात पर विधानसभा से 2 बार पास होके भी फाइल बनी हुई है। इसलिए किसी का भी कोई बयान आता है वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन आज CAA पास हो गया है। जब हमारे वहाँ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है तो कोई सवाल ही नहीं है। बंगाली सब देशभक्त हैं, यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि रोहिंग्या हैं। क्यों कहते हैं? कहाँ रोहिंग्या है? रोहिंग्या जहाँ है वहाँ तो उन लोगों ने बसाया है, हमारे विपक्ष के लोगों ने।